नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज रूम पोस्ट में। मैं हूँ आपके साथ रोशनी सिंह। पैसा और गिफ्ट लेकर संसद में सवाल पूछने यानी कैश फॉर क्वेरी के आरोप में घिरी टीएमसी की सांसद मऊआ मोहित्रा ने माना है कि उन्होंने कारोबारी दर्शन हीरा नंदानी को अपने लोकसभा का सरकारी यूजर अकाउंट और उसका पासवर्ड दिया था। मऊआ ने इंडिया टुडे से बातचीत में कहा है कि उनका संसदीय क्षेत्र कृष्णनगर की काफ़ी दूरस्थ है, इस वजह से उन्होंने अपने दर्शन हीरा नंदानी से कहा था कि अपने दफ्तर के किसी से सवाल इस लोकसभा यूजर अकाउंट से दें। मऊआ ने आगे कहा कि सवाल डाले जाने के बाद ओटीपी आता है, वो ओटीपी देकर और सवाल पर नज़र डालने के बाद से ही लोकसभा सचिवालय को उन्होंने हमेशा अग्रसारित किया। मऊआ ने ये भी कहा कि उन्होंने दर्शन हीरा नंदानी से कोई पैसा या गिफ्ट नहीं लिया है, बस संसद सत्र के वक्त हीरा नंदानी की गाड़ी उनको मिलती थी, मुंबई जाने पर भी गाड़ी उनको ही दी जाती थी। मऊआ ने आगे दावा किया है कि हर सांसद के पास इंटर्न और स्टाफ होते हैं, वो ही लोकसभा के यूजर अकाउंट से सवाल पूछने का काम करते हैं। मऊआ मोहित्रा ने अपने इंटरव्यू में आरोप लगाया है कि गौतम अडानी ने पिछले 3 साल में 2 सांसदों के जरिए बात करने की कोशिश की और संसद में सवाल ना पूछने के लिए कैश देने का प्रलोभन भी दिया। मऊआ मोहित्रा का दावा है कि उन्होंने गौतम अडानी की तरफ से दिए गए प्रस्ताव को तुरंत खारिज कर दिया था। मऊआ मोहित्रा ने इससे पहले संसद की एथिक्स कमेटी की चिट्ठी लिखी थी, वो 31 अक्टूबर को गवाही के लिए पेश नहीं हो सकेंगी। मऊआ ने आगे कहा कि 5 अक्टूबर के बाद पेश होने के लिए कोई तारीख एथिक्स कमेटी तय कर दी। इंडिया टुडे से बातचीत में मऊआ ने आगे कहा कि जबकि कैश फॉर क्वेरी का आरोप औंधे मुंह गिर गया है, तो उनके खिलाफ शिकायत करने वाले बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बता दिया है। टीएमसी सांसद मऊआ मोहित्रा ने आगे कहा कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि मैंने लोकसभा का अकाउंट और पासवर्ड किसी विदेशी को दिया, जबकि दर्शन हीरा नंदानी मेरे दोस्त हैं और उनके पास भारत का पासपोर्ट भी है। मऊआ ने आगे कहा कि दर्शन हीरा नंदानी ने दुबई से संसद का अकाउंट लॉगिन किया। टीएमसी सांसद ने कहा कि वो खुद स्विट्जरलैंड से अपना अकाउंट लॉगिन कर चुकी हैं। मऊआ ने ये भी कहा कि अगर एनआईए के सवाल और जवाब सुरक्षित करने की बात है तो आईपी एड्रेस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जाता। मऊआ मोहित्रा के खिलाफ कैश फॉर क्वेरी का आरोप सबसे पहले उनके मित्र रहे जय आनंद देहाद्राही ने लगाया था। देहाद्राही ने सीबीआई से शिकायत की थी। इस शिकायत को बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भेजकर मऊआ पर कार्यवाही की मांग भी की थी। निशिकांत दुबे और जय आनंद ने संसद की एथिक्स कमेटी के सामने 26 अक्टूबर को गवाही भी दी है। अब मऊआ ने यह भी कहा है कि एथिक्स कमेटी के सामने दर्शन हीरा नंदानी का क्रॉस एग्जामिनेशन कराना भी जरूरी होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।